गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन माय चैनल आओ साइंस पढ़े। बच्चों मास्क ज़रूर लगा के रखिए क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, और ऐसा मत समझिए कि जिस एरिया में कोरोना वायरस नहीं आया है वहाँ आ नहीं सकता। आप लोगों ने पढ़ा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी अपने आप को प्रिवेंट करके रखना बीमारियों से ये ज़्यादा बेहतर होगा रैदर देन होने के बाद इसको क्योर करना। आपको मालूम है कि जो कोरोना वायरस है ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है, स्पेशली उसके लंग्स पे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आज हम लोगों का टॉपिक ही है सेल, और पब्लिक प्लेसेस में बिना मास्क का मत जाया करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल। सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। ये चैप्टर स्पेशली हम लोग क्लास 8 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास 8 के बच्चे जो होंगे वो इस सेल चैप्टर्स को थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आप लोगों को मालूम है बच्चों कि जो सेल का डेफिनेशन जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सेल कमेंट करके बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल। सबको मालूम है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वीडियो को पॉज करके कमेंट करना ज़रूर सीखिए, इससे आपकी तैयारी कैसी है आपको पता चल जाएगी। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। बच्चों याद तो कर लेते हैं हम लोग 6-7 में, लेकिन आज तक हम लोग इसका मीनिंग थोड़ा कम समझ रहे हैं, बहुत कम बच्चों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग मालूम है। तो सेल के बारे में हम विजुअलाइज कैसे करें, कैसे हम समझें? बच्चों इसमें एक खास टर्म आप देख रहे होंगे लाइफ के बारे में, मतलब जिंदगी, यानी ज़रूर ये कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सेल डेड सेल्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, मगर अगर आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि लाइफ, हम लोग भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे अंदर भी लाइफ है। वैसे प्लांट्स के अंदर भी लाइफ है, बैक्टीरियाज के अंदर भी है, ठीक है। इसी तरह हर जगह, मतलब जहाँ पर भी हम लाइफ के बारे में सोच सकते हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ है। ज़रा अपने आप को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि जब आपका जन्म नहीं हुआ होगा, यानी व्हेन यू आर प्रेजेंट इन योर मदर्स वोम्ब, आप जब अपनी माँ के गर्भ में होंगे तब आप ज़रूर कोई इरेगुलर शेप में होंगे। इरेगुलर शेप कहने का मतलब, आपको याद होगा एमीवा के बारे में हम लोग बनाते हैं, और जब भी एमीवा का डायग्राम होता है हर बच्चे के कॉपी में अलग अलग डायग्राम बन जाता है, लाइक दिस, है ना। और आपने ये भी पढ़ा है एमीवा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनी कहने का मतलब सिंगल सेल। बच्चों जब हमारा जन्म नहीं हुआ होगा ना तो हम भी कुछ इसी तरह के सेल के रूप में होंगे जो कि हम नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए ज़रूर माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती होगी। तो कुछ इसी तरह से हम भी रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट आते गया, मतलब वही सेल के अंदर आंखें बनी, नाक बना, चेहरा बना, हाथ बने और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनना शुरू कर दिए, और फाइनली वो सारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन भी कर रहे हों, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इसी सेल से हुआ, इसको हम सेल कह सकते हैं। तो ये विजुअलाइज करने का तरीका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही सेल है, लेकिन आप इसको इस तरह सोच सकते हैं अपने सेल के बारे में समझने के लिए। तो स्टार्टिंग इरेगुलर शेप था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, स्ट्रक्चरल में चेंज हो गया। कहने का मतलब हाथ बन गया, पैर बन गया, मतलब इसी सेल का स्ट्रक्चरल फॉर्म आने लगा। मतलब सेल ही रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए। और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है जरा देखो, फंक्शनल, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं क्या वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आप सांस ले सकते हैं, आपके लंग्स में ऑक्सीजन जा सकता है, ये सारी चीज़ें फंक्शनल को डिनोट करती हैं। इट मीन्स ऑल द बॉडी ऑर्गन्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स दे आर फंक्शनल, और वो फंक्शनल इसीलिए है क्योंकि वो जिन सेल से बने हुए हैं वो सारे फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ सेल्स डेड सेल्स भी हो गए हों, लेकिन फिर भी जब तक फंक्शनल कर रहे हों और वो स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है तो वो लाइफ को इंडिकेट करेगा, मतलब लाइफ के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों का होना ज़रूरी है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और लाइफ का क्या मीनिंग है। अब बच्चों सेल को जो सबसे पहली बार सेल डिस्कवर हुआ था वो डेड सेल्स था, डेड सेल्स, और इनको डिस्कवर करने वाले, सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले थे रॉबर्ट हुक, नाम ज़रूर याद होना चाहिए, इन 1665।
ईयर भी याद होना चाहिए. रॉबर्ट हुक वॉज फर्स्ट टू डिस्कवर द डेड सेल्स. और वो सेल्स कहाँ से आया था? कॉर्क ऑफ अ ट्री, कॉक सेल्स. कॉक सेल्स जनरली, कॉक सेल्स क्या होता है? वो एक्चुअली बार्क ऑफ अ ट्री होता है. बार्क कहने का मतलब पेड़ का छाल, है ना? डॉग्स बार्क नहीं, पेड़ का छाल. तो बार्क ऑफ अ ट्री, तो और जनरली वो डेड सेल्स था. तो जनरली जब हम बात करते हैं कि सेल को कौन डिस्कवर किया, तो आप सबसे पहला नाम रॉबर्ट हुक का ही बोलते हैं. ये मैटर नहीं करता कि वो लिविंग सेल्स था या डेड सेल्स था. लेकिन बच्चों, जो लिविंग सेल्स के बारे में बात हुई थी, लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है? थोड़ा नाम ध्यान देना है, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, लिविंग सेल्स. उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि डेट हु हैज डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, तो आप सबसे पहला नाम रॉबर्ट हुक का ही लिखेंगे. बच्चों, सेल के बारे में अगर हम बायोलॉजी टर्म में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में अगर सेल की स्टडी की जाती है, इसको कहा जाता है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल टर्म. सेल का बायोलॉजिकल टर्म साइटो है, यानी जहाँ जहाँ भी आपको साइटो मिल जाए, समझ लेना सेल के बारे में कुछ बोला जा रहा है. ओके, साइटोलॉजी एंड सेल के बारे में. तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो बच्चों, आपने यह भी देखा कि जो डेड सेल्स थे वो किस तरह डिस्कवर हुए, कौन डिस्कवर किया, कमेंट करके बताइए. व्हाट इज़ द नेम? नाम था उनका रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था. बच्चों, जो उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था ना, वो एक कॉक सेल्स थे, और जनरली वो डेड सेल्स थे. सेल का मतलब आपके बुक्स में लिखा होगा लिटिल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा. और उनका जो शेप था वो था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. याद रखिए, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. बच्चों, हनी कॉम्ब क्या होता है? आपने मधुमक्खियों का वैसा प्लेस देखा होगा जहाँ वो रहते होंगे, है ना? और उनका जो प्लेस है, मतलब उनका जो घर है, मधुमक्खियों का जो छाता बोलते हैं हम लोग, उनको हम हनी कॉम्ब बोलते हैं. जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर इनको सेल का मिला जब वो कॉक सेल्स को डिस्कवर कर रहे थे. मतलब कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का सेल्स. ये बहुत ही रिपीटिंग ऑर्डर में होता है, अलग अलग तरह से एक फॉर्म में. तो ये जो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इनको कहा जाता है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर है? ओके ओके बच्चों, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताया कि जब भी सेल के बारे में विजुअलाइज करना हो, हमेशा ये सोचिए कि आप एक इरेगुलर शेप में थे, यानी आप इरेगुलर शेप में प्रेजेंट थे, और वहाँ से आप लोगों का धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स बना और फिर वो सारे फंक्शन हुए. बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप ही के बारे में सूट कर रहा हो. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके माइंड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उन सब का ही वो स्ट्रक्चर उसी इरेगुलर शेप में. यानी अगर सीधे सीधे बोला जाए कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल ही होता है, बराबर होता है, मतलब उन्हीं को हम सेल कहते हैं. लेकिन तो फिर डिफरेंस क्या आ गया? तो बच्चों, वो जो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा वो बहुत तरह से वैरी करते हैं. कैसे कैसे वैरी करते हैं? तो वेरिएशन जो होता है, जो वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस, तो वेरिएशन जो होता है वो सबसे पहला होता है सेल नंबर को लेके. मतलब किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं, गिनकर बताना पड़ेगा. बच्चों, जो दूसरा होता है वो होता है सेल साइज के बारे में, सेल साइज कौन कौन सा है. और तीसरा क्या है आपका? एक है सेल, नोट कर लीजिए, शेप. साइज एंड शेप, सेल शेप. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स भले ही सबका सेम हो, बेसिक स्ट्रक्चर्स भले ही सबका सेम हो कि सेल से ही सारे लोग बने हैं, मगर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है किसी का सेल नंबर डिफरेंट हो सकता है किसी का सेल साइज डिफरेंट हो सकता है किसी किसी का सेल शेप डिफरेंट है. आश्चर्य की बात यह है कि ह्यूमन बींग्स में ये तीनों ही चीज़ें पाई जाएंगी कहीं ना कहीं से, है ना? सेल नंबर मल्टी सेलुलर आपको मालूम है, सेल साइज अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग साइज के सेल्स हैं, देखेंगे हम लोग, बात करेंगे. और सेल शेप, सेल शेप हम लोगों को याद रखना होगा कि इस दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, इस तरह करके हम पढ़ेंगे. तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल नंबर को लेकर. सेल नंबर कहने का मतलब, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, यानी ज़रूर किसी ऑर्गेनिजम्स में सेल का जो काउंटिंग है वो कितना होना चाहिए, गिनती करके. तो आप समझ लो कि सेल नंबर, जब हम बात करेंगे सेल नंबर का, तो इसके हिसाब से दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं.
कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब लिख सकते हैं हम ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। किस बेसिस पे? बेसिस क्या है, आधार क्या है? सेल नंबर। ठीक है, सेल नंबर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम, आप ये बोलो कि पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो दो तरह कौन कौन सा है? सबसे पहला है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन आप ज़रा कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, मैं इसका डेफिनेशन बिल्कुल लिखने वाला नहीं हूँ। और बच्चों दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, दोनों का डेफिनेशन लिख के दिखाएं, अपना नाम ज़रूर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर आप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जानते हैं तभी आप जान पाएंगे इसके एग्जांपल्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए। ओके, नाउ यूनिसेलुलर क्या होता है बच्चों? नाम से पता चलता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल या वन, और मल्टी मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। तो इसका मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स, याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं, जिन बच्चों को याद नहीं है सुन लीजिए आराम से याद हो जाएगा, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, इसी को इंग्लिश में लिखना है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, इट इज़ नोन एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर नोन एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टीसेलुलर, those organisms which are made up of many cells, बहुत तरह के सेल के बने हुए हैं। यानी सेल बोल रहे हैं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपका जन्म जब नहीं हुआ होगा तो आप किस फॉर्म में होंगे, है ना, इरेगुलर शेप में, जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, उस फॉर्म में होंगे। वो सबसे छोटा पार्ट, लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, उसी को हम सेल कहते हैं। क्लियर है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल के बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनी सेल्स, एक से ज़्यादा अगर होगा तो मेनी सेल्स के बने हुए रहते हैं। तो एग्जाम्पल पे खास तौर से फोकस रहिएगा, क्लास एट के बच्चे स्पेशली। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल का मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको याद रखना, पी ई ए, मटर जानते हैं ना सभी बच्चे, पी ई ए, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसका एक ट्रिक याद रखिए, पी। अब नाम भी पता चल जाए, पी से क्या होगा, ई से क्या होगा और ए से क्या होगा। तो पी से होगा बच्चों पैरामोशियम, स्पेलिंग जरूर चेक करना, MOECIUM, पैरामोशियम। यू से बच्चों यूग्लेना, और ए से तो सबको मालूम है, कमेंट करिए, कमेंट योर आंसर, ए से सभी लोग पढ़े हैं, क्लास फाइव से पढ़ते आ रहे हैं। यस एग्जैक्टली, द नेम इज अमीबा। अच्छा कोई पूछ दे सर पैरामीशियम क्या है, यूग्लेना क्या है, अमीबा क्या है, कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं सर, दे ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा कैसे बना होगा, सिंगल सेल का बना होगा, ठीक है। किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स को? ऑन द बेसिस ऑफ द सेल नंबर। इजी लग रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल याद होने चाहिए, पी याद रखिएगा, पी से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अच्छा मल्टीसेलुलर, आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में देख रहे हैं सब मल्टीसेलुलर है, कमेंट योर आंसर्स। अब आप ज़रा देखिए आपके आसपास कौन कौन प्रेजेंट हैं, आपके मम्मी आपके पापा, कमेंट करिए आंसर, बर्ड्स प्लांट्स जितने भी चीज़ें हैं, अगर आप एलिफेंट देख रहे हैं, डॉग्स देख रहे हैं, कैट देख रहे हैं, वट एवर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू आर सीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग पे मत जाना। ये नहीं कि सर मेरे घर में ना टीवी रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, वो भी क्या डाल दें इसमें, ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, इट शुड बी अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? जल्दी से इसको नोट करिए और कमेंट द आंसर्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल ज़रूर बताइए। ओके बच्चों, ये हो गया सेल नंबर के बारे में, अब हम बात करते हैं सेल साइज के बारे में। तो सेल साइज में आपको क्या याद रखना है और किस तरह याद रखना है? सेल साइज कहने का मतलब इस दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, जो सबसे बड़ा सेल क्या होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वर्ल्ड का, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट सेल बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल का जो नाम है वो है PPLO, सब कैपिटल में होना चाहिए, याद रखना। और इसी का बच्चों एक और नाम है माइकोप्लाज्मा, सुनिए सभी बच्चे ध्यान से, बहुत सारे बच्चे सिर्फ PPLO याद कर लेते हैं, मगर अगर ऑप्शन में आ जाता है माइकोप्लाज्मा तो उनको लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। स्मॉलेस्ट सेल इस दुनिया का PPLO और माइकोप्लाज्मा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें दिया जाता है। अब PPLO का फुल फॉर्म क्या है ये भी समझना है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्ल्यूरोनिमोनिया में पी साइलेंट होता है, पी निमोनिया मत बोल देना, इट्स अ निमोनिया, लाइक
ऑर्गेनिजम्स, लाइक ऑर्गेनिज्म. तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ PPLO, कमेंट योर आंसर. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ PPLO, बोर्ड पे लिखा हुआ है. ओके ओके बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल. अब बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट सेल. लार्जेस्ट सेल, जो लार्जेस्ट सेल होता है ना, वो होता है ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग शुतुरमुर्ग बोलते हैं, जनरली रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, जहाँ पर वो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं, जो स्कैवेंजर्स के रूप में आपने पढ़ा है, वो ऑस्ट्रिच एग, उनका अंडा जो होता है वो एक लार्जेस्ट सेल है इस दुनिया का. क्लियर है? ओके. उसके बच्चों बाद में एक टर्म और आता है लॉन्गेस्ट सेल, और बच्चे इसी में भी बहुत ज़्यादा, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों का मीनिंग क्या है. लॉन्गेस्ट कह, लार्जेस्ट कहने का मतलब होता है बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा. जैसे अगर आपसे कोई बोले कि इन दोनों के बारे में थोड़ा समझाइए, तो आप ऐसे बोल सकते हो, लाल किला जो है वो बड़ा है मगर कुतुब मीनार लंबा है. अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, मतलब बड़ा है, लेकिन लॉन्गेस्ट सेल है उसको हम बोलते हैं नर्व सेल. नर्व सेल, या कहीं कहीं पे आपको न्यूरॉन्स भी मिलेगा जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट रहता है. न्यूरॉन्स, नर्व सेल और या न्यूरॉन्स, ये जनरली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है. तो स्मॉलेस्ट सेल भी याद रखना है, लार्जेस्ट भी याद रखना है, और लॉन्ग भी याद रखना है. लॉन्ग मतलब लंबा, हाउ लॉन्ग यू आर. तो कौन सा सेल लंबा है? नर्व सेल है. ठीक है, और ये ऑस्ट्रिच एग एंड PPLO. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इस तरफ कि ह्यूमन बींग्स में ये क्या काम, ह्यूमन बींग्स में ऐसा कौन सा सेल है जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है. तो ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये होता है स्पर्म. आपने पढ़ा होगा, इट इज़ द मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्पर्म्स. ओके, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ओवम, फीमेल गैमेट्स. ओके, इसके अलावा एक बात और, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मालूम है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, एंड इट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा सेल बताइए जो यूनिसेलुलर ही है लेकिन वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कमेंट योर आंसर. नेम वन सेल विच इज अस विच इज कमिंग फ्रॉम और विच इज यूनिसेलुलर एंड इट कैन बी सीन विद आवर नेकेड आई. ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर जो है लिखोगे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर सेल होता है हेंस एग, मुर्गी का अंडा. है ना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. है ना, हेंस एग, मुर्गी का अंडा देखें, है ना, वो एक्चुअली में यूनिसेलुलर है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. लेकिन बाकी जितने भी सेल हैं, अमीबा बोलो, पी, याद है ना, पी, पैरामेशियम, यूग्लेना एंड अमीबा, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. तो क्लियर है इतना सब? इतना क्लियर है सबको? जल्दी से इसको नोट करिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम. तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सेल शेप के बारे में. एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल PPLO होता है, इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1, और देखो इस तरह करके दिया होगा, इसको कहते हैं माइक्रोन. माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन, ये याद रखना है. तो बच्चों अगर 1 माइक्रोन का जो वैल्यू होता है वो होता है 10^-6 मीटर. तो क्या आप लोग मैथ्स करने वाले स्पेशली इस वैल्यू को मीटर में चेंज करके बता सकते हैं? इट्स सिंपली अ यूनिटरी मेथड, एक यूनिटरी मेथड है जिसको आप सॉल्व करके बताइए. कमेंट योर आंसर, इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, नोट कीजिए इसको. है ना, PPLO का, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, एक बार देख लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सबको मालूम है. तो अगर मैं बोलूँ बताओ 2 मीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में कितना होगा, तो आप बोलोगे ना सर 1 मीटर में इतना, तो 2 में हो गया 2 × 100, यानी 200 सेंटीमीटर. क्लियर? उसी तरह आपको बताना है 0.1 माइक्रोन, ये ओरिजिनल साइज है PPLO का, जिसका अदर नेम माइकोप्लाज्मा है, और 1 माइक्रोन का वैल्यू, मतलब ये चीज़ मैंने आपको दिया हुआ है. तो आपको बताना है कि अगर इस 0.1 माइक्रोन को मैं चेंज करूं मीटर में तो उसका आंसर कितना आएगा. क्वेश्चन पेपर बनाने वाले कभी कभी माइक्रोन नहीं देके मीटर भी दे देते हैं. तो चेक करिएगा आंसर और मुझे कमेंट करिएगा, देखते हैं मैं कितना आंसर्स आप लोगों ने सही लिखा. चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेल शेप के बारे में. सेल शेप में क्या पढ़ना है हम लोगों को? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि जो सेल होते हैं बच्चों, वो अलग अलग शेप के भी रहते हैं. कौन कौन से शेप के हो सकते हैं? ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, फिर आपका क्यूबॉइडल शेप के हो सकते हैं, पॉलीगनल शेप के हो सकते हैं, इस तरह वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं. ठीक है,
इसमें आप लोग देखोगे जो आपके फिगर्स दिए होंगे उसमें आपका लिवर सेल दिया होगा, है ना, नर्व सेल दिया होगा. सबके स्ट्रक्चर आपके, सबके शेप अलग अलग होते हैं. लॉन्गेस्ट है थोड़ा फ्लैट टाइप का हो सकता है. उसके बाद बच्चों यहाँ पर फैट सेल्स भी दिए होंगे. अलग अलग सेल्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है. एक खास बात बच्चों, जो लिवर सेल होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रीजेनरेट करने का पावर बहुत ज़्यादा होता है. मतलब अगर ये सेल ख़राब हो जाए तो ये अपने आप को दोबारा रीजेनरेट कर सकता है. यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जहाँ पर सेल बहुत ही जल्दी रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब अपने आप को कॉपी करना, जेरोक्स करना, अपने आप को जेरोक्स करना. कोई सेल ख़राब हो गया, दूसरा वाला सेल क्या करेगा, ओके बढ़ जाओ, यानी फिर से उसको कवर कर लेगा. तो जो सबसे ज़्यादा रीजेनरेट वाला सेल होता है वो होता है लिवर सेल. और सबसे कम कहाँ होता है, नर्व सेल, यानी इसको न्यूरॉन बोल, न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट पहनकर बाइक चलाओ, है ना. सिर में अगर चोट लग गया तो वहाँ का सेल मर गया, अब वो फिर रीजेनरेट नहीं होगा, मुश्किल है, ठीक है, ओके. लेकिन लिवर सेल, लिवर ख़राब हो गया तो डॉक्टर दवाई ववाई देके फिर से रीजेनरेट करवा सकता है. तो लिवर सेल यानी लिवर्स ठीक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ब्रेन अगर कोई कोमा में चला गया तो मुश्किल हो जाएगी. तो हमेशा अपने हेड को प्रोटेक्ट करिए. ज़रूर अपने पापा मम्मी को बताइए अगर वो वर्किंग कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ वेयर द हेलमेट, ताकि नर्व सेल सही तरीके से रहे और न्यूरॉन को किसी तरह की चोट ना लगे. जल्दी से नोट करिए इसको. ये हो गया हमारे सेल्स की बात. तो बच्चों ये आपके फर्स्ट पार्ट में इतना सारा कुछ हो गया है. अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में समझने के लिए. बच्चों सेल का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया, विजुअलाइज करने के लिए, एक इरेगुलर शेप, बहुत ही छोटा, जो कि आप अपने अनएडेड आई से नहीं देख सकते. अनएडेड कहने, एक वर्ड यहाँ भी आता है, अनएडेड. अनएडेड कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, खुली आँख, आँख के ऊपर आपने कोई चश्मा नहीं लगाया, कोई बायनोकुलर नहीं लगाया, ठीक है. मतलब सिंपली आप अपनी आँखों से देख रहे हैं बच्चों, उसको अनएडेड कहते हैं. अगर अन हट गया तो एडेड आई हो जाएगा, आई लगेगा आँख में, मतलब आँखों के ऊपर ऐड लग गया. मतलब कौन सा लग गया, चश्मा लग गया, कुछ भी आई पावर जो भी लगाना चाहते हैं, माइक्रोस्कोप लग गया, मैग्नीफाइंग ग्लास लग गया, कुछ भी इस तरह करके लगा सकते हैं. तो अब हम लोग सेल के बारे में, यानी वो सबसे जो छोटा पार्ट है जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर में कुछ नहीं रहता, उसके अंदर में बहुत कुछ रहता है. और उसी के अंदर के बारे में पढ़ने के लिए आपको ये चैप्टर दिया गया है. यानी अब हम चलते हैं उस सेल के अंदर के बारे में जानने के लिए, यानी पार्ट्स ऑफ सेल्स, पार्ट्स ऑफ सेल्स. अब सेल्स, अब जाहिर बात है कि कोई चीज़ अगर सेल के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसके अंदर कुछ है, मतलब ज़रूर एक बाउंड्री है और इसके अंदर में कुछ चीज़ प्रेजेंट है. मतलब सेम उसी तरह समझ लीजिए कि अगर आप घर में पॉलीथीन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर में आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारा सामान रख लेते हैं. तो पॉलीथीन हो गया वो बाउंड्री, और उसके अंदर में बहुत सारा सामान अभी आप रखेंगे जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, वो हो जाएगा सेल ऑर्गेनेल. तो ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सेल के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है. जनरली जो सेल का एक अगर हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो इसके तीन पार्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन बच्चों, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. मतलब इसी के, इसी तीन के चारों तरफ आपके सेल के बारे में बात होगी, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लियर. और प्रोटोप्लाज्म, इन सब में और क्या क्या प्रेजेंट रहता है, किस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पार्ट्स लिख रहा हूँ, ये सारे सेल में इक्वल है, चाहे वो प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, बैक्टीरियाज के हों, सब में कॉमन मिलेगा. मतलब ये बेसिक यूनिट है. मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेल होते हैं उनका सभी लोगों में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और उसी के आधार पर जैसे जैसे वो डेवलप करते जाते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस चेंज भी होते रहता है. तो बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में. सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, ये एक आउटर कवरिंग होता है. आउटर कवरिंग है ना, जाहिर बात है कि आपका ये मान लो ये शरीर है, उसके अंदर में क्या क्या भरा हुआ है, लंग्स भरे हुए हैं, किडनी भरा हुआ है ना, लिवर भरा हुआ है. अगर ये सब, अगर ये हमारा स्किन नहीं होता तो क्या वो सारे ऑर्गन सही सलामत रहते? बिल्कुल नहीं. उसी तरह बच्चों इसके अंदर में जो जो चीज़ें हैं, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, अगर ये सब चीज़ों को सही सलामत रखना है तो सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है. यानी ये आउटर कवरिंग की तरह काम करता है जो कि प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है.
ठीक है। तो मैं एक आउटर कवरिंग यहाँ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा एक रफ आइडिया मिल जाए कि भाई इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। मान लो मैंने ये एक बना दिया सेल मेम्ब्रेन, हर सेल में ये प्रेजेंट रहेगा, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। दूसरी बात, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है बच्चों। प्रोटो, जब भी प्लाज्म लग जाए हमेशा समझना लिक्विड, लिक्विड ओके। प्रोटोप्लाज्म का एक फॉर्मूला नोट कर लो, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, वेरी इजी। यानी अगर आपको कोई पूछ दे कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो आप सिंपली उसका आंसर देख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जनरली क्या होता है, ये आपका एक लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल। जैसे अगर आप किसी पॉलीथीन में पानी वानी भर लिए तो वो पानी जो है वो प्रोटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो समझ लो ये आपका एक सेल मेम्ब्रेन था, इसमें जो लिक्विड वाला चीज़ है पूरा पानी भरा हुआ है ना, वाटर टाइप का, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा प्रोटोप्लाज्म। लेकिन मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो बच्चों साइटोप्लाज्म जो है ना वो यही लिक्विड है, लेकिन जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये इस न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। मतलब ज़रूर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एक न्यूक्लियस भी है और उसके अंदर में भी कुछ लिक्विड चीज़ें हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर में रहने वाला जो लिक्विड है बच्चों वो हो गया, यही मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो लिक्विड, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जा वाला जो लिक्विड होगा इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और जब हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म को लेकर साइटोप्लाज्म, लेकिन जब दोनों लिक्विड को हम मिलाकर बात करते हैं, मिलता नहीं है, मिलाकर बात करते हैं, तो साइंटिस्ट उसका नाम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कितनों को क्लियर हो गया, कमेंट योर नेम अलॉन्ग विद देयर स्कूल्स, आप किस स्कूल के हैं वो भी बताइए कि कितने को समझ में आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। आज के बाद डाउट नहीं होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म लिक्विड, साइटोप्लाज्म जहाँ लग गया लिक्विड, मतलब लिक्विड साइटो मतलब, कमेंट करिए, अभी बताया सबसे पहला मैंने बताया था साइटो, साइटो मतलब सेल, कहा था ना बायोलॉजिकल टर्म है, तो सेल के अंदर में रहने वाला लिक्विड। यानी अगर साइटोप्लाज्म को डिफाइन करना हो तो द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो लिक्विड है। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, इजी। एंड वॉट इज प्रोटोप्लाज्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करता है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब जनरली ये भी समझ लो कि ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये एकदम लिक्विड नहीं होता, थोड़ा जेल टाइप मटेरियल होता है, जेल लाइक मटेरियल। जेल समझ में आता है ना, हाँ वही क्लोजअप जेल है ना, जेल टाइप का रहता है, जेल पेन है ना, थोड़ा गाढ़ा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा लिक्विड है, थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ापन लिए हुए रहता है अपने अंदर। तो ये हो गई आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर की बात। अच्छा, ये इस लिक्विड में होता क्या है बच्चों, इस लिक्विड्स के अंदर में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, क्योंकि आपको मालूम है ना प्रोटीन्स जो होता है वो ताकत देता है, तो अगर ताकत ही ना रहे इसके अंदर में तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में प्रेजेंट रहती हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो एग्जैक्ट वाटर नहीं होते, उस वाटर में प्रोटीन्स, फैट्स, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं बच्चों। उसके बाद है एक आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आपका एक कंट्रोलिंग हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनल्स होता है जो कि पूरे सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स that controls all activities of the cell, मतलब इस सेल के अंदर में जितना भी काम होगा वो सब आपका कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई कंट्रोल करता है, कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। आपकी उंगली कितनी हिलनी चाहिए ये भी आपका ब्रेन सिग्नल देता है, आपकी जीभ कितनी ज़्यादा बोल रही है ये भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, आपकी आंखें यहाँ वहाँ देख रही हैं ये जनरली सारा कंट्रोलिंग जो है वो आपका ब्रेन करता है। उसी तरह सेल के अंदर में जो कंट्रोलिंग यूनिट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यानी ये सेल अपने अंदर में जितना भी काम करेगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो सब का सब कंट्रोल्ड होगा न्यूक्लियस के द्वारा। क्लियर है सबको, जल्दी से इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए।
ओके बच्चों, अब हम लोग आगे समझते हैं, थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में और कुछ समझने की जरूरत है। ये ध्यान से देखिए क्या करेंगे न्यूक्लियस में। बच्चों न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड मटेरियल या जेल लाइक मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो जेल लाइक मटेरियल होता है, जेल लाइक मटेरियल है ना, जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ऐसे कर लो, इन न्यूक्लियस, जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ओके बच्चों, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म ना, जो जेल लाइक मटेरियल है उसके अंदर में धागा धागा जैसा, थ्रेड जैसा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही पतले पतले, मतलब आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, हैव यू सीन द एलोवेरा जूस विथ फाइबर्स, बिल्कुल सही, वो जो फाइबर्स है ना जिस तरह आपको दिखता है थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, उसी तरह के स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, उस लिक्विड के अंदर में इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमैटिन। नाम याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब ये किसका डेफिनेशन है आपका, क्रोमैटिन का डेफिनेशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको, चलिए ना आगे बढ़ते हैं, क्रोमैटिन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब चेक करिए, अब देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड मटेरियल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर में जो थ्रेड लाइक मटेरियल है वो हो गया आपका क्रोमैटिन। अच्छा, जो ये न्यूक्लियस का बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, जैसे ये सेल का मेम्ब्रेन था तो सेल मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ये जो सेल होते हैं ये एक्चुअली में डिवाइड करते हैं। बच्चों बायोलॉजी एक ऐसा टर्म्स है जहाँ पर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मीनिंग एक ही समझते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि मैथ्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो सबके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, बायोलॉजी में अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सबके रिजल्ट्स एक जैसे आएंगे, कैसे आएंगे आप समझ सकते हैं इसको। तो जनरली आप ये देख लीजिए कि एक सेल, कोई एक सेल है वो अगर डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड का मतलब ऐसा मत समझिए कि वो टूट के दो हो गया, वो टूट के दो हुआ लेकिन वो दोनों सेल फिर से अपने अपने नए नए फॉर्म में एग्जिस्ट कर गए। अच्छा, मल्टीप्लाई का मतलब भी एक से दो गुना हो गया, मतलब एक सेल था वो टूट के दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, यानी अगर कभी भी ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सेल्स आए तो हमेशा उसका मीनिंग एक ही समझना, यानी वो सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। जब यही सेल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगे, अनकंट्रोल्ड हो जाए, इसी को कैंसर कहते हैं, याद रखना, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ द सेल किसी भी प्लेस में, ब्रेन में हो गया तो ब्रेन कैंसर है ना, किसी और जगह बॉडी पार्ट्स में हो गया तो वो कैंसर, अलग अलग तरह से कैंसर, यानी अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, एक कंट्रोलिंग पावर में ये काम होना चाहिए। तो बच्चों जब ये सेल भी, यानी सेल मतलब हमेशा अपने दिमाग में रखना, वो छोटा शेप, इरेगुलर शेप जिसको आप नहीं देख पाते हैं लेकिन उसके अंदर भी इतनी सारी कहानी हो रही है। अब देखो ये समझो, अब ये जब सेल डिवाइड होने जाता है तो क्या होता है, ये जो पतले पतले से थ्रेड है ना, ये थोड़े से थिक होने लगते हैं, थिक मतलब मोटे होने लगते हैं, और जब वो मोटे होने लगते हैं उस नाम को, यानी थ्रेड जब थिक हो जाए तो उस टर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, याद रखना है। यानी क्रोमैटिन किस में चेंज हो गया बच्चों, क्रोमोसोम्स में, लेकिन ये कब चेंज हुआ, कमेंट योर आंसर, क्रोमोसोम्स कब चेंज हुआ, तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, डिवीजन बोले या मल्टीप्लीकेशन बोले, दोनों बोल सकते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी बताया डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन बायोलॉजी में एक ही होता है। एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन द क्रोमैटिन कंडेंस मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जा रहे हैं ना, कंडेंस हो रहे हैं, सामने सामने है, क्योंकि शुरू में आपके थिन थे, पतले थे, अब वो सामने सामने आएंगे तो थिक हो जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन द क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इसी को क्रोमोसोम्स कहा जाता है, इसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर आप कभी देखोगे ना तो कुछ इस तरह
जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे करके मिलेगा, इस तरह करके क्रोमोसोम थोड़े थिक हो गए, मोटे हो, और वो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा, पतला पतला लाइक दिस। अब सेल डिवीजन के टाइम में ही ये काम होता है, मतलब क्रोमोसोम्स तभी बनते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है या सेल मल्टीप्लाई होने वाला होता है। अब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स का ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर में छोटे छोटे से इस तरह करके डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों इसी को कहते हैं हम जीन्स, वो जीन्स नहीं ट्राउजर वाला नहीं पहनने वाला नहीं, ये जीन्स कहते हैं। ये जीन्स करता क्या है, एक तरह का इनहेरिट प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पहुँचाए जाते हैं वो जनरली आपके जीन्स के द्वारा पहुँचाए जाते हैं, जीन्स के द्वारा। आपने सुना होगा ना, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आपके मामा मामी चाचा चाची कोई आते हैं, आपको बोलते हैं अरे इसका चेहरा तो उसकी मम्मी जैसा है, इसका दिमाग तो इसके पापा जैसा है। अच्छा वो सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज़रूर उन्होंने कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा को नोटिस किया होगा और आप में वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। बच्चों वो सिम्टम्स लाने की जो वजह है वो वजह है जीन्स, ठीक है। बोलते ना ये देखो तो अपने पापा जैसा गोरा है, हाँ ऐसा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन भी है ना, देखो तो ये अपनी मम्मी जैसी लंबी है, इस तरह का जो फिजिकल अपीयरेंस भी है, ये सब का सब डिफाइन कौन करेगा, जीन्स करेगा। और जीन्स प्रेजेंट कहाँ रहेगा, क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स कब बनेगा, सेल डिवीजन के टर्म में बनेगा। कौन डिवाइड होकर बनेगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल। कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, वो लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहे। कितनों को क्लियर हो गया, कमेंट योर आंसर। बच्चों एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि ये जो आपका क्रोमोसोम्स होता है ना, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर्स के होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में वो कितने होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसका आप लोग क्या पेयर बता सकते हैं, पेयर समझ में आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि वन डजन बनाना, तो वन डजन बनाने का मतलब कितना पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, दो दो के हिसाब से बांटेंगे तो कितना पेयर बनेगा, कमेंट करिए आंसर। अगर 12 बनानास हैं तो दो दो करके बनेंगे तो 6, मतलब 6 पेयर्स लिख सकते हैं, मतलब 6 पेयर्स इज इक्वल टू 12 नंबर लिख सकते हैं क्या, 12 नंबर्स। उसी तरह 46 नंबर है ये, तो कमेंट योर आंसर दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर में नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। ओके बच्चों अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि वो सेल जो सबसे छोटा पार्ट था उसके अंदर में उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, सेल मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस रहता है जो जेल लाइक मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में जो जेल लाइक मटेरियल है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एंड द ऑर्गन्स द डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द सेल इट इज़ नोन एज सेल ऑर्गेनिल्स। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल ऑर्गेनिल्स क्या है तो आप क्या बताएंगे, तो बच्चों ये जो डिफरेंट पार्ट्स इसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इसके अलावा भी जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कह रहे हैं। तो जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब अगर सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है ऐसा कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हैं द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेल दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। जैसे आपके पूछा जाए कि आपके बॉडी के अंदर में कौन कौन से ऑर्गन, तो लंग्स किडनीज है ना ट्रैकिया ये सब आप बोल सकते हैं। तो उसी तरह सेल के अंदर में इन सबको छोड़कर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे वो सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्या क्या है नाम याद रखिएगा, प्लास्टिड्स, सेकंड वन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर बच्चों थर्ड नंबर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बच्चों इसको कभी कभी किसी किसी किताब में ER भी लिखा हुआ मिलेगा, बात करेंगे हम लोग एक करके। फोर्थ नंबर वैक्यूल्स, ओके फिफ्थ नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना, राइबोसोम्स, ये सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को, या फिर उसके बाद एक और कर लो, सिक्स नंबर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतने ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना है। जल्दी से ये नाम को नोट करिए, और आपको पढ़ना क्या है ये भी ध्यान दीजिए। बच्चों आपको पढ़ना है कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो प्रेजेंट रहते हैं इनका फंक्शन क्या है, बस सिर्फ फंक्शन याद कर लीजिए आपका सारा काम हो जाएगा, और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों ये आपके कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं और उसके फंक्शंस के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है, वी विल डिस्कस इट राइट नाउ।
तो बच्चों सबसे पहला है वो है प्लास्टिड, स्पेलिंग जरूर चेक करना, इट्स नॉट प्लास्टिक, यहाँ डी लगा हुआ है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल्स है, ये पिगमेंटेड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट कलर्स के लिए। अब आप जरा देखो, आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे प्लांट्स को, कोई हरे रंग का है, कोई येल्लो रंग का है, किसी का रेड रंग है, अलग अलग तरह के प्लांट्स आप देखते हो। बच्चों वो जो कलर्ड है ना, वो जो कलरिंग हो रहा है उस प्लांट्स में, डैट इज रिस्पॉन्सिबल और डैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लास्टिड। यानी प्लास्टिड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? प्लांट सेल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एक डिफरेंसेस भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? दे कंटेन पिगमेंट्स एंड प्रोवाइड कलर टू द सेल। सेल को कलर देने का काम कौन करता है? प्लास्टिड करता है। बच्चों प्लास्टिड जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू कलर हम तीन तरह से इसको पढ़ना चाहते हैं। अगर बच्चों जो प्लास्टिड ग्रीन कलर देता है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरो, क्लोरोफिल से क्लोरो, आपको मालूम है क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। तो अगर एग्जाम में कभी भूल गए तो याद रखना, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है। प्लास्टिड का क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि कौन से कलर को करता है? रिप्रेजेंट ग्रीन कलर को। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नेम द प्लास्टिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द ग्रीन कलर टू द प्लांट, इट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। बच्चों ग्रीन के अलावा अगर कोई दूसरे कलर्स आपको नजर आते हैं, येल्लो हो गया, रेड हो गए, तो वो कलर बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। स्पेलिंग चेक करना, CHROMO, क्रोमोप्लास्ट। ओके, फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। और बच्चों कभी कभी कुछ कलरलेस प्लास्टिड्स भी होते हैं जो कि अच्छे से कलर इम्पार्ट नहीं कर पाते, दिखाते नहीं है, वैसे प्लास्टिड्स को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड वन, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ये टेबल याद रखना। एग्जाम में अगर भूल गया तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, हैंडीप्लास्ट मत लिख देना। ओके, तो ये तीन प्लास्टिड्स का नाम है और ये तीन कलर्स का नाम है। प्लास्टिड्स क्या करते हैं? कलर देते हैं, है ना, प्लांट सेल। कलर किसको देंगे? जाहिर बात है किसको देते हैं ज़्यादा? प्लांट सेल को। यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें सबसे पहला डिफरेंसेस यही एक मिलेगा कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड द प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। इससे आपको डिफरेंसेस भी याद हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे आपके अपने घर में करंट आने के लिए एक मेन स्विच होता है ना, उसी तरह समझ लीजिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर में जितना भी एनर्जी जाएगा वो सब पावर हाउस की तरह काम कर रहा है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होते हुए जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है वो विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो उसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है? इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करता है। तो बच्चों रेस्पिरेशन जरूरी है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जाना चाहिए उस सेल में। यानी आपको मैंने बताया है कि जब भी आप सुबह उठो हमेशा 8 glasses 80 times इनहेलेशन एक्सहेलेशन करो। तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही जो आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा लेकिन हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। वो सेल इतना छोटा है कि वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए आपको सांस लेना पड़ता है। आप अगर कम सांस लेंगे तो कम जाएगा ऑक्सीजन, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा जाएगा। इसीलिए डीप ब्रीथिंग करने से आपके हर सेल के पास ऑक्सीजन के पर्याप्त अमाउंट होते हैं और वो आपके सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए जब आप सुबह सुबह उठ के इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हो ना, तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है, आप चेक कर लेना कभी करके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट प्रोवाइड द चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप जब सुबह सुबह इनहेल एक्सहेल करते हो तो ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी, पूरे सेल्स में चला जाता है। बच्चों उसको पहुँचाने का काम आपने पढ़ा है ब्लड में करता है, लेकिन सेल के अंदर पहुँचाने का काम कौन करता है? वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑक्सीजन जिस तरह एक मटेरियल हो गया, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक मटेरियल हो गया, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स एक मटेरियल हो गए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल्स की तरह काम करता है, एक कैनाल्स की तरह। मतलब समझ लो कि एक छोटा मोटा कैनाल्स है, नहर है, जिसके थ्रू वो कोई भी मटेरियल्स यहाँ से वहाँ आ जा सकता है। तो ऑक्सीजन को भी वहाँ पहुँचाना है। अब जाहिर बात है ऑक्सीजन कोई आपके मुँह में पंप लगा के नहीं भरने वाला, आपको अपने नाक से खींचना होगा। तो थोड़ा इतना तो मेहनत कर लो, है ना, थोड़ा कोशिश करके तो देखो, सांस लेकर तो देखो, फ्री में मिल रहा है ना ऑक्सीजन, फ्री में है अभी, इसलिए जितना हो सके ले लो। अगर सिलेंडर लग गया ऑक्सीजन का तो पापा मम्मी के पैसे पूरे खर्च हो जाएंगे, याद रखना। चलो अब ये हो गया एंडोप्लाज्मिक। अच्छा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब है क्या? ये सब सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब सेल, वो छोटा सा सेल था ना उसके अंदर में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। हम लोग भी सेल के बने हुए हैं, हमारे अंदर भी हर छोटे छोटे सेल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं।
उन सबको फंक्शन दिलवाना ये आपका हाथ में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको शॉर्ट में ER भी लिखते हैं, कहीं कहीं मिल जाएगा ER। ये जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है SER, S का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ वाला जो रहेगा वो क्या करेगा, वो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट, फैट को बनाने में हेल्प करता है, आपके बॉडी में जो फैट बनता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनवाता है। और रफ वाला जो रहेगा वो करेगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर प्रेजेंट है बच्चों, तो इसका जो देखो ऐसे दो पोर्शन, एक पोर्शन जो है वो स्मूथ है और एक पोर्शन में ऐसे दरदरा टाइप का, खुरदरा टाइप का कुछ रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रफ पार्ट जो है ये रफ क्यों है, कौन इसको रफ बना दिया, किसके प्रेजेंट्स के चलते ये थोड़ा रफ हो गया, खुरदरा हो गया। बच्चों ये जो रफ वाले के ऊपर में प्रेजेंट रहता है राइबोसोम्स प्रेजेंट भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो कि उसको रफ बनाता है, और यही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। याद रखना हमने भले ही लिखा हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटीन्स कौन सिंथेसिस करता है, वो जो रफनेस की वजह है, वजह कौन है, राइबोसोम्स, यही आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। समझ में आ रहा है सबको? ओके अगर एग्जाम में ऑप्शंस में रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दे, राइबोसोम भी दे दे, कुछ और भी दे दे, तो आप एग्जैक्ट किसको सही करेंगे, राइबोसोम्स को। कमेंट योर आंसर, राइबोसोम्स हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है आपका, राइबोसोम। अच्छा विच सेल ऑर्गेनल्स मेक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, रफ कौन बनाता है, सेम आंसर राइबोसोम्स। क्लियर है सबको? जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में गॉल्गी अपैरेटस भी मिल सकता है, गॉल्गी बॉडी भी मिल सकता है, यहाँ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। इसका काम क्या है, दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक कहने का मतलब एक थैले जैसा प्रेजेंट रहता है। आपने ब्रेड देखा होगा स्लाइसेस, है ना, अगर आप ब्रेड को ध्यान से देखो तो कुछ इस तरह वो अरेंज रहता है ना, इस तरह एक के नीचे एक ऐसे करके अरेंज रहता है। बच्चों इसको कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले के रूप में जैसा वो प्रेजेंट रहेगा। ओके एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द सेल। चैनल्स का काम कौन करता है, कैनाल्स का काम, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन आपको वहाँ से यहाँ तक प्रोसेस करके, यानी जो सेल जो भी बाय प्रोडक्ट्स बना रहा है, जो एनर्जी बना रहा है, उसको पैक करके एक जगह से दूसरी जगह डालना, ये काम आपका करता है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। मतलब वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है। ज़रा सोचो कि अगर सेल ने कुछ एनर्जी बनाया, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाया और दोनों मिल गया, तो क्या हमें सही तरीके से सारी एनर्जी मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं। यानी वेस्ट प्रोडक्ट का अलग पैकेज करके भेजेगा, ओके, दूसरा जो है एनर्जी जो होगा वो अलग पैकेट में जाएगा। मतलब जितने भी सामान बन रहे हैं हमारे बॉडी सेल्स में, वो सब अलग अलग पैकेज होके जाता है, उनको प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, और पहुंचाने का काम कौन करेगा, कमेंट योर आंसर, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में यही फर्क है, ठीक है। ये सेलेक्ट करके पैक करेगा और वो पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूम्स। वैक्यूम्स भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है बच्चों, जो कि इट स्टोर्स द एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स ऐसा होता है जो कि वेस्ट वाटर को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्लांट ज़्यादा वाटर रखता है अपने अंदर या ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स ज़्यादा वाटर रखते हैं, कमेंट योर आंसर। जाहिर बात है प्लांट्स, क्योंकि आपने पढ़ा है द प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल, हमेशा ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस चलते रहता है, यानी पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो यानी पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होती होगी, प्लांट सेल में। इसीलिए प्लांट्स के जो वैक्यूल्स होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, बिग साइज होते हैं। जबकि एनिमल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल में जो वैक्यूल्स होते हैं, ये स्मॉल साइज, हमें भी पानी की ज़रूरत है मगर उतना नहीं है, स्मॉल साइज और समटाइम्स एब्सेंट, कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। तो दो डिफरेंसेस यहाँ आपको मिल गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। यानी वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है ताकि वो ज़्यादा वाटर स्टोर कर सकें, सिर्फ वाटर यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करने में यह हेल्प करता है। और एनिमल सेल में ये थोड़े स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये एब्सेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया, फाइन। अब बच्चों इसके अलावा आपके बुक में जो दिया होगा वो एक दिया होगा सीलिया एंड फ्लैजेला। जनरली ये क्या है, ये जनरली लोकोमोटिव ऑर्गन्स। लोकोमोटिव कहने का मतलब ये हो गया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इन ऑर्गन्स का काम होता है, और ये जनरली किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में रहते हैं।
ठीक है, और किस में रहते हैं जरा चेक कर लेते हैं, सी पी है ना, मैथ्स में पढ़ते हैं ना कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इसमें याद रखो, ओके, देखो सी से सीलिया और पी से पैरामोशियम, एग्जाम में कभी कभी भूल भी जाते हैं ना हम लोग, इसलिए याद रखना, यानी सीलिया वो लोकोमोटिव ऑर्गन है जो पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट है, याद करो हमने सेल नंबर में पढ़ा था, सेल नंबर में पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पी पी ई ए है ना, पैरामोशियम यूग्लेना एंड एमीबा, तो उसमें पैरामीशियम के अंदर में, पैरामीशियम के ऊपर जो आपका लोकोमोटिव ऑर्गन्स होता है वो कौन सा होता है, सीलिया होता है। और बच्चों एप्स कहने का मतलब फ्लैजिला, और फ्लैजिला जो होता है ये आपका यूग्लेना में होता है, ये दोनों क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ये लोकोमोटिव पार्ट्स है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके सेल ऑर्गेनल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहती हैं, मतलब ये सिक्स नंबर हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक में भी एक तरह का स्ट्रक्चर्स जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सीलिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में है। आई होप कि आपको सेल ऑर्गेनल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, अगर आप इस वीडियोज़ को कम्प्लीट देखते हैं विदाउट स्किपिंग तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। बच्चों एक लास्ट थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सेल के बारे में, ठीक है, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी प्लांट सेल और एनिमल सेल आप खुद से देख लेंगे, सब स्ट्रक्चर्स बहुत ईजी है, आप अपने बुक्स का हेल्प लेके भी वो काम कर सकते हैं। एक जो मुझे लास्ट बात करना है वो बात करना है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों जैसे आपको मालूम है कि जो सेल होता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लाइफ का, ठीक है, उसी तरह हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे घर से। देखो याद करो, याद रखो जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स मतलब ईंटा है ना, सेल जब इकट्ठा होगा तो बच्चों टिश्यू बनेगा, ब्रिक्स जब इकट्ठे होंगे तो वॉल बनेंगे, टिश्यू जब हो जाएगा तो ऑर्गेन्स बन जाएंगे, है ना, वॉल जब इकट्ठा हो जाएगा तो आपका एक रूम बन जाएगा, बहुत डिफरेंट वॉल्स जब बनेंगे तो रूम बन जाएंगे, ओके, ऑर्गेन और इसी में एक ऑर्गेन सिस्टम बना और फाइनली आप तैयार हो गए, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप बन गए। देखो आप कहाँ बने हैं, यहाँ बने हैं, यानी आप स्टार्ट कहाँ से हुए थे, सेल से, आपका सबसे पहला पार्ट आपका बॉडी का सेल था, आपका टिश्यू बना, ऑर्गेन बना, ऑर्गेन सिस्टम बना, ऑर्गेन, डिफरेंट रूम्स इकट्ठा करेंगे बच्चों तो हाउस बन जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह का बेसिक यूनिट से हम स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सेल सबसे नीचे, अच्छा सेल को मैंने नीचे क्यों लिखा, क्योंकि बेस, ये बेसिक यूनिट है और बेस हमेशा नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, इसलिए बेस में ज़्यादा काम करिए, यानी सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो ऑक्सीजन का जाना जरूरी है, ऑक्सीजन को पहुँचाइए सेल पे सुबह सुबह इनिशियल एक्सेलेरेशन करके, और फाइनली आप ऑर्गेनिजम्स का हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये जानना है कि बेसिक यूनिट क्या होता है, मैंने रूम के रेस्पेक्ट में इसका कंपैरिजन कर दिया, क्लियर। प्लांट्स और एनिमल सेल ये बहुत ईजी है, जो अगर मैंने आपके जो सेल ऑर्गेनल्स बताए हैं उसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो वी आर फाउंड लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, डायग्राम जरूर देख लीजिएगा ताकि वो आपके एग्जाम में कंप्लीट हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट फॉर द क्लास 8, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।